समेत पाकिस्तान भर में इंसानी हकूक के मसाइल सर उठा रहे हैं। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, इंसानी हकूक के नुमाइंदों क्या मुश्किल दरपेश हैं, इस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस यहाँ कराची के आर्ट्स काउंसिल में मुनद हुई, जिसमें मकरीन ने अपने खिताब में इस हवाले से रोशनी डाली। एक तो होता है इंसानी हकूक, उसका उनको तहफ़ दिया जाता है, और दूसरा होता है इंसानी हकूक पे काम करने वाले लोग, उनका तहफ़ भी यकीनी बनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये 2008 में मैंडेट क्रिएट किया था कि इंसानी हकूक पे काम करने वालों को तहफ़ दिया जाए। जब भी आईनी हकूक की बात होती है तो मैं फिर सबके लिए बात करता हूँ, मैं फिर सिर्फ शिया मिसिंग पर्सन की बात नहीं करता, मैं सिंधी मिसिंग पर्सन की बात भी करता हूँ, बलोच मिसिंग पर्सन की बात भी करता हूँ, पख्तून मिसिंग पर्सन की बात भी करता हूँ, और पंजाबी मिसिंग पर्सन की भी बात मैं करता हूँ, क्योंकि इंसान सभी हैं, हुकूक सबके बराबर हैं। एनजीओस के साथ जो मसाइल हैं वो ये है कि यहाँ जो भी कोई बात करता है, चाहे वो एनजीओ है चाहे वो ट्रेड यूनियन है, उसकी आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, वो चाहे मैं हूँ आप हूँ हम में से कोई भी हो। तो बुनियादी मसला जो है वो माशी निज़ाम है। माशी निज़ाम अगर ग्लोबलाइजेशन है, आप उसको ग्लोबलाइजेशन कह दें, मगर वो सरमाया दराना निज़ाम है। रमशा हुसैन का केस था कोर्ट डीजी में जो बहुत हाईलाइट हुआ, उसको मेरी सिस्टर ने जो है वो हाईलाइट किया। उसके बाद मेरी सिस्टर के खिलाफ जो है पेड कैंपेन चलाई गई, उसका नाम दीवारों पे लिखा गया। आज भी हम जो है लोकल गैदरिंग्स में नहीं जा सकते, स्कूल्स में जो गैदरिंग्स होती हैं नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग हर जगह मौजूद हैं। मेरे ख्याल में बिशम्बुल सिंध और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त सिविल सोसाइटी के लिए बदतरीन वक्त चल रहा है। जो श्रिंकिंग सिविक स्पेस है, जहाँ उनके लिए ऑपरेटिंग स्पेस जिसमें सिविल सोसाइटी काम कर रही है, वो श्रिंक हो रही है। जो सबसे बड़ी मुश्किल हमें आ रही है कि हम न सिर्फ रियासती इदारों और मजहबी इदारों की मुखालफत और उनके थ्रेट्स जो है वो डील कर रहे हैं, इवन हम सोशल मीडिया पे कोई भी बात नहीं लिख सकते ओपनली। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, और इंसानी हकूक की बात करने वाले उनके दफा करने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। इसके लिए ज़रूरी हुकूमत एक्शन ले और अमली इकदाम करे, इनको तहफ़ दे जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, ताकि वो अपना काम आसानी करें, और जो पूरे सूबे की मुल्क की आवाम है उसको जो इंसानी हकूक दिलाने में अहम किरदार अदा करें। कैमरा मैन ज़ीशान शेख के साथ न्यूज़ कराची।